गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आए अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज पर पुलिस परीक्षा हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसके संबंध में परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद ने बताया कि पूरे प्रदेश में 17 व 18 फरवरी को बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा हेल्प डेस्क लगाया गया है, जो कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य कर रहा है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए हम लोग मौके पर मौजूद रहकर उनकी मदद कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद ने कहा, ऐसा 17-18 दो दिन प्रदेश में बड़े पैमाने पे पुलिस भर्ती थी, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ हेल्प डेस्क लगाया गया है, जो सवेरे 6 बजे से 10 बजे रात तक रह रहा है। बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। रोडवेज के भी 2 टीम लगी हुई है, जो भी यात्री जहाँ के विद्यार्थी निकल रहे हैं उनको भेजवाया जा रहा है। यूपीएसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा में शनिवार को प्रथम पाली में गोरखपुर में मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले 2 सालवर को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दुर्गेश यादव उर्फ अंकित यादव, पुत्र श्री राम यादव, निवासी मझगांव पोस्ट जगत बेला, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर, दूसरा अंजनी कुमार उर्फ मनीष कुमार सिंह, पुत्र महेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम निवादा, थाना निवादा, बिहार, जो कि बिहार में रेलवे में स्टेशन मास्टर है, जिसके पास से 5 आधार कार्ड, जिसमें 3 कूटरचित है, 1 पुलिस रिक्रूटमेंट सिक्योरिटी एजेंसी का परिचय पत्र, 3 ATM कार्ड, 1 PAN कार्ड, 1 रेलवे का पहचान कार्ड, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पूछताछ पर अंजनी कुमार उर्फ मनीष सिंह ने बताया कि वह कुरवा चैनपुर सिंधिया घाट स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे में स्टेशन मास्टर है। प्रफुल्ल व प्रफुल्ल का भाई अन्नू से उसकी पहले से जान पहचान है। इन दोनों से इसकी बात सद्दाम ने कराई है। सद्दाम ने इसको बताया कि दुर्गेश यादव की जगह सालवर बन के परीक्षा देना है। आकाश राव बायोमेट्रिक जो गेट पर कराती है, उस कंपनी का फील्ड मैनेजर है। आकाश दुर्गेश यादव को परीक्षार्थी का सिक्योरिटी एजेंसी का कार्ड बना कर दिया था और परीक्षा केंद्र के गेट में इसकी ड्यूटी लगा दी गई थी। मेरे आने पर दुर्गेश ने अपना अंगूठा लगाकर मुझे अंदर कर दिया। दुर्गेश यादव उर्फ अंकित ने पूछताछ पर बताया कि उसका रिश्तेदार संदीप यादव, पुत्र राम भवर यादव, निवासी ग्राम बनौरा, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर है। संदीप यादव ने उससे कहा कि वह सालवर का इंतजाम कर देगा, इस पर वह तैयार हो गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में रविवार को बख्शीपुर में भारी जाम लगा, जिसको देखते हुए SP ट्रैफिक ने मौके पर पहुंचकर कमान संभाली। SP ट्रैफिक श्यामदेव स्वयं अपनी टीम के साथ मौजूद रहकर परीक्षा देकर जा रहे अभ्यर्थियों को जाम से बाहर निकलवाया। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सड़क के बीच में पुलिसकर्मियों को खड़ा कर दिया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बाएं से दाहिने ना जाए और कोई भी व्यक्ति दाहिने से बाएं ना जाने पाए, जिसकी वजह से 30 मिनट में ही जाम समाप्त हो गया। इस अवसर पर ट्रैफिक निरीक्षक मनोज कुमार राय, हेड कांस्टेबल राम मनोहर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। SP नार्थ मनोज कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस भर्ती परीक्षा के केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में SP नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नार्थ क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर लिया गया है। सभी जगह पर परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 4 महिला कांस्टेबल, 6 पुरुष कांस्टेबल, 4 उपनिरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पूरे परीक्षा केंद्र की CCTV से निगरानी की जा रही है और साथ ही अधिकारी भी सभी परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, नॉर्थ क्षेत्र के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सबका विजिट कर लिया है, सभी जगह ड्यूटीज पहुंच गई हैं, सकुशल परीक्षा आरंभ हो चुकी है और बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा शांतिपूर्वक दे रहे हैं और सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। सर, फोर्स की बात कीजिए, कितनी फोर्स
देखिए, हर परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त फोर्स दिया गया है, चार चार महिला कांस्टेबल्स, आवश्यकता अनुसार छः महिला कांस्टेबल्स, दो दो तीन तीन सब इंस्पेक्टर्स, फिर कंट्रोल रूम के लिए पृथक से फोर्स दिया गया है इस पर, और अधिकारी भी राउंड ले रहे हैं और थाना प्रभारी भी अपने अपने क्षेत्रों पर लगे हुए हैं। गोरखपुर में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा 47 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में परीक्षा देकर बाहर निकल रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर अच्छा आया था लेकिन मैथ थोड़ा कठिन था। अभ्यर्थियों ने बताया कि इसमें सभी सब्जेक्ट से सवाल आए हुए थे, बस साइंस से नहीं था और परीक्षा केंद्र पर अच्छी व्यवस्था थी, उम्मीद है कि पास हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा, क्वेश्चन ये हिंदी से आया था, हिस्ट्री से आया था और रीजनिंग से। सबसे ज़्यादा तब तो रीजनिंग था। इससे पहले कभी एग्जाम दिया है? नहीं, इससे पहले नहीं दिए हैं कभी। क्या लगता है आज के मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए थे। कहाँ का है? गोरखपुर, यहाँ विवेक अग्रहरी। पेपर तो अच्छा था लेकिन बहुत टाइम टेकिंग लगा, रीजनिंग ज़्यादा टाइम ले लिया मेरा। तब सबसे ज़्यादा क्या हुआ? तब नहीं था, रीजनिंग बस मेरा टाइम टेकिंग हो गया बहुत, उसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिए थे, टाइम टेकिंग हो गया था। क्या लगता है आपको? अब देखिए कट ऑफ कितनी जाती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरिता है। पेपर अच्छा रहा। क्वेश्चन किस तरह का? ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी भी था, थोड़ा कठिन भी था क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा टफ इसमें मैथ था। इससे पहले कभी आपने दिया इसमें? हाँ, इससे पहले भी दिए हैं। आज देकर क्या लग रहा है? अच्छा अनुभव था। क्या नाम आपका? अमरजीत यादव। कहाँ का है? कसरवल सहजनवा गोरखपुर। बहुत अच्छा पेपर रहा, काफी इजी क्वेश्चन आया था जी। मैंने पूरा 150 क्वेश्चन था पूरा ही किया है लगभग, मतलब इसमें से 100 क्वेश्चन अच्छा ही जाएगा जी। थैंक यू। मतलब अपने तरफ से तो पूरा कोशिश किया है, उम्मीद है कि निकल जाएगा।